अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो का इनवान है बिल। बिल क्या होता है? बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा, बिल क्या होता है? 8 साल के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने इसे समझाया, जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं या कोई काम करवाते हैं तो वो इस सामान या काम के बदले में हमसे पैसा लेता है। हम कोई सामान या काम की लिस्ट बनाकर देता है, इसको हम बिल कहते हैं। बच्चे को माँ की बात अच्छी तरह समझ में आ गई। रात को सोने से पहले उसने माँ के तकिए के नीचे एक पेपर रखा जिसमें इस दिन का हिसाब लिखा हुआ था। दुकान से सामान लाकर दिया, 5 रुपए। बाबा की बाइक साफ करके बाहर निकाली, 5 रुपए। दादाजी का सर दबाया, 10 रुपए। दादी अम्मी की चाबियां ढूंढ कर दी, 10 रुपए। टोटल हुआ 30 रुपए। ये सिर्फ आज का बिल है, इसको आज ही दे दें तो नवाजिश होगी। सुबह जब बच्चा उठा तो इसके तकिए के नीचे 30 रुपए रखे हुए थे। वो इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। तभी इसकी नजर साथ रखे कागज पर पड़ी। इसकी अम्मी ने लिखा था, पैदाइश से लेकर आज तक पाला पोसा, मुआवजा 0। बीमार होने पर सारी रात सीने से लगाकर घुमाया बहलाया, मुआवजा 0। स्कूल भेजा और होमवर्क करवाया, मुआवजा 0। सुबह से रात तक खाना खिलाया पिलाया, कपड़े तब्दील करवाए, इस्त्री कराए, मुआवजा 0। आज से ज्यादा तुम्हारी फरमाइश पूरी करना, मुआवजा 0। ये अब तक का पूरा बिल है, इसकी जब भी कीमत अदा करना चाहो कर देना। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, सीधा जाकर अपनी माँ के पांव पर झुक गया और बहुत मुश्किल से रोते हुए कहने लगा, आपके बिल में तो कीमत लिखी ही नहीं है अम्मी, ये तो एक अनमोल है, इसकी कीमत तो मैं जिंदगी भर अदा नहीं कर सकूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा प्यारी अम्मी जान। अम्मी ने हंसते हुए अपने बेटे को गले लगाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।